हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास फोर्थ के एसएसटी का एक लेसन रीड करेंगे, ओके। एंड द टाइटल इज आर रिच कल्चर, हमारी संस्कृति। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। रीड द क्लूज, राइट द नेम्स ऑफ द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। तो आपको यहाँ कुछ क्लूज दिए गए हैं, आपको वो क्लू पढ़ने हैं और उन स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज के नाम बताने हैं जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, ओके। मैथिली, अब मैथिली क्या है? मैथिली एक भाषा है, इट बिलोंग्स टू बिहार, तो यहाँ पे आपको बिहार लिख देना है। नेक्स्ट देखिए बिहू, अब बिहू क्या है? बिहू एक फेस्टिवल है आसाम का, सो यहाँ पे आपको आसाम फिल कर देना है। थर्ड देखिए फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी एक प्लेस का नाम है, इट इज़ इन उत्तर प्रदेश, तो ये आपको उत्तर प्रदेश लिख देना है। वड़ा पाव, वड़ा पाव क्या है? दिस इज अ फूड आइटम, ये महाराष्ट्र का फूड है, सो यहाँ पर आपको महाराष्ट्र लिख देना है। आगे विंडालू, विंडालू क्या है? ये भी एक फूड है जो गोवा का फेमस फूड है, सो आपको गोवा लिख देना है। नेक्स्ट देखिए चिराव, ये क्या है? दिस इज अ बेम्बू डांस, इट इज फेमस इन मिजोरम, तो आपको इसके आगे मिजोरम लिख देना है। मलयालम, मलयालम क्या है? दिस इज अ लैंग्वेज, ये केरला की लैंग्वेज है, तो आपको इसके आगे केरला लिख देना है। फिरन, फिरन क्या है? दिस इज अ फेमस ड्रेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो आपको यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर लिख देना है। पोंगल, पोंगल क्या है? दिस इज अ फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु, तो आपको पोंगल के आगे तमिलनाडु लिख देना है। नेक्स्ट देखिए भांगड़ा, भांगड़ा क्या है? दिस इज अ फेमस डांस ऑफ पंजाब, तो आपको इसके आगे पंजाब लिख देना है, ओके। चलिए लेसन पर मूव कर लेते हैं। इंडिया इज रिच इन आर्ट एंड कल्चर, भारत कला और संस्कृति में समृद्ध है। इंडियन लैंग्वेजेस, ड्रेसेस, डांसेस, म्यूजिक, मॉन्यूमेंट्स, पेंटिंग्स, हैंडीक्राफ्ट एंड फेस्टिवल्स एनरिच हर कल्चर, तो भारतीय भाषाएं, पहनावे, नृत्य, संगीत, स्मारक, पेंटिंग, हस्तशिल्प और त्यौहार इसकी संस्कृति को समृद्ध करते हैं, ओके। देखिए यहाँ पर ये डिफरेंट लैंग्वेजेस दिखा रखी हैं, मिले सुर मेरा तुम्हारा, इसको अलग अलग भाषाओं में कैसे लिखा जाता है, तो ये आपको एग्जांपल दिखा रखा है। देखिए नीचे क्या लिखा है, ईच लैंग्वेज हैज़ अ सेट ऑफ लेटर्स इन विच इट इज़ रिटन, तो हर भाषा में अक्षरों का एक समूह होता है जिसमें वो भाषा लिखी जाती है। दिस सेट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड स्क्रिप्ट, अक्षरों के इस समूह को हम लिपि कहते हैं, ओके। सो नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, लैंग्वेजेस, भाषाएं, भाषाएं क्या होती हैं? देयर आर 22 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। हिंदी एंड इंग्लिश आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस, तो हिंदी और अंग्रेजी आधिकारिक भाषाएं हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। मोस्ट लैंग्वेजेस आर रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अधिकतर भाषाएं बाएं से दाएं लिखी जाती हैं, मीन्स यहां से स्टार्ट करके और यहां खत्म होती हैं। बट कश्मीरी, सिंधी एंड उर्दू आर रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेकिन कश्मीरी, सिंधी और उर्दू भाषाएं दाएं से बाएं लिखी जाती है, मींस इन तीनों भाषाओं के सेंटेंसेस को हम राइट से स्टार्ट करते हैं और उसको लेफ्ट पे खत्म करते हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, ड्रेसेस मींस कपड़े या पोशाकें। द पीपल ऑफ इंडिया वियर डिफरेंट ड्रेसेस, भारत के लोग अलग अलग पहनावे या अलग अलग कपड़े पहनते हैं। विमेन वियर साड़ी, सलवार कमीज, जीन्स, शर्ट्स, स्कर्ट्स एंड गाउन्स, तो भारतीय महिलाएं साड़ी, सलवार कमीज, जीन्स, शर्ट, स्कर्ट और गाउन पहनती हैं। मैन वियर जीन्स, ट्राउजर्स, शर्ट्स एंड टी शर्ट्स, और पुरुष जीन्स, पैंट, शर्ट और टी शर्ट पहनते हैं। इन सम स्टेट्स मैन वियर कुर्ता पैजामा एंड कुर्ता धोती, कुछ राज्यों में पुरुष कुर्ता पैजामा और धोती कुर्ता पहनते हैं। सम मैन ऑल्सो वियर टर्बन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, कुछ लोग अलग अलग तरह की पगड़ियां भी पहनते हैं, ओके। आपने देखा होगा कि राजस्थान में भी लोग पगड़ी पहनते हैं, पंजाब के लोग भी पगड़ी पहनते हैं, और हर पगड़ी डिफरेंट स्टाइल की होती है, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं, डांसेस या नृत्य। फोक एंड क्लासिकल आर टू टाइप्स ऑफ डांसेस इन आर कंट्री, तो लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य हमारे देश के दो प्रमुख नृत्य हैं। फोक डांसेस आर परफॉर्म्ड ऑन मैरिज, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, फेस्टिवल्स,
चेंज ऑफ सीजन्स एंड सोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। लोक नृत्य विवाह में, बच्चे के जन्म पर, त्योहारों पर, ऋतु परिवर्तन पर और फसलों की बुआई और कटाई पर किए जाते हैं। द क्लासिकल डांसेस बिगेन इन टेम्पल्स, तो शास्त्रीय नृत्यों की शुरुआत मंदिरों से हुई। लेटर किंग्स एनकरेज दीज डांसेस, बाद में राजाओं ने इन नृत्यों को प्रोत्साहित किया। सम फेमस क्लासिकल डांसर्स आर पंडित राजेंद्र गंगानी, शर्मिला बिस्वास, मल्लिका साराभाई एंड सोनल मानसिंह। सो कुछ प्रसिद्ध शास्त्रीय नृतक पंडित राजेंद्र गंगानी, शर्मिला विश्वास, मल्लिका साराभाई और सोनल मानसिंह है। आगे देखते हैं। म्यूजिक मीन्स संगीत। म्यूजिक इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, फोक एंड क्लासिकल। संगीत भी दो प्रकार का होता है, लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत। द बिहू गीत ऑफ आसाम, पंडावनी ऑफ छत्तीसगढ़, भावगीते ऑफ कर्नाटका एंड बाउल संगीत ऑफ वेस्ट बंगाल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फोक म्यूजिक। तो असम का बिहू गीत, छत्तीसगढ़ की पंडवानी, कर्नाटक का भावगीते और पश्चिम बंगाल का बाउल संगीत लोक संगीत के कुछ उदाहरण हैं। देयर आर टू मेन स्टाइल्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, हिंदुस्तानी एंड कार्नाटिक। शास्त्रीय संगीत की दो मुख्य शैलियाँ हैं, हिंदुस्तानी और कर्नाटक शैली। हिंदुस्तानी म्यूजिक डेवलप्ड इन नॉर्थ एंड कार्नाटिक म्यूजिक इन द साउथ। तो हिंदुस्तानी संगीत का विकास उत्तर में हुआ जबकि कर्नाटक संगीत का विकास दक्षिण में हुआ। आनंद भाटे, पंडित अजय चक्रवर्ती, उस्ताद राशिद खान एंड शुभा मुदगल आर सम फेमस हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर्स। तो आनंद भाटे, पंडित अजय चक्रवर्ती, उस्ताद राशिद खान और शुभा मुदगल कुछ प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं। रंजनी एंड गायत्री, डी कार्तिका अनंगा एंड शंकर महादेवन आर सम फेमस कार्नाटिक क्लासिकल सिंगर्स। तो रंजनी और गायत्री, डी कार्तिका अंगना और शंकर महादेवन कुछ प्रसिद्ध कार्नाटिक शास्त्रीय गायक हैं। तो इस लेसन की रिमेनिंग पार्ट जो है वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी या इसका कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, इससे इस चैनल पर आने वाली किसी भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।